हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दृष्टि पाठक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज। होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म केसरी के बारे में, जिसका ट्रेलर बाहर आ चुका है। ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पे आधारित है। हवलदार इशार सिंह, जिन्होंने भाग लिया था सारागढ़ी के बैटल में, जहाँ 21 सिख्स फॉट अगेंस्ट 10,000 अफगान्स इन द ईयर 1897। ये कहानी उसके ही बारे में है। 6 घंटे के ऊपर चला यह युद्ध आज 120 साल बाद हमें बड़े पर्दे के द्वारा नजर आएगा। 19वीं सदी की ये बात है, जहाँ सारागढ़ी एक छोटा सा गांव हुआ करता था, एंड टुडे इट स्टैंड्स अ फ्यू आवर्स आउटसाइड पेशावर, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। दिस एपिक बैटल ऑफ सारागढ़ी वाज फॉट बिटवीन 21 सोल्जर्स फ्रॉम द 36th सिख रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। 21 सोल्जर्स मारे गए थे इस युद्ध में। पूरे दिन की लड़ाई के बाद सोल्जर्स ने अपनी जान खो दी। सारागढ़ी फेल, बट थोड़े ही टाइम में ब्रिटिश फोर्सेस ने रिकैप्चर कर दिया था। फिल्म केसरी के मेकर्स हैव गॉट द ऑडियंसेस लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा। मेकर्स ने फिल्म के अलग चैप्टर्स और पोस्टर्स रिलीज किए हैं, एंड नाउ द ट्रेलर इज आउट टू। 12 सितंबर 1897 में हुआ ये वॉर, जिसमें से लीड सिख का किरदार निभाएंगे अक्षय कुमार। ट्रेलर की शुरुआत में अक्षय कुमार का डायलॉग आता है, जहां वो कहते हैं, एक गोरे ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो, कि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। आज जवाब देने का वक्त आ गया है। हजारों अफगान्स बॉर्डर क्रॉस करते दिखाई देते हैं, व्हाइल अक्षय एंड हिज ट्रूप इज सीइंग डूइंग सम हाई ऑक्टेन एक्शन इन द ट्रेलर। अक्षय कुमार लुक्स प्रिटी कन्विंसिंग एज हवलदार इशार सिंह, एंड एक सॉलिड इम्पैक्ट देते हैं। फिल्म में अक्षय के साथ आपको परिणीति चोपड़ा भी नजर आएंगी। डायलॉग्स काफी सुपर्ब है एंड विल इंस्पायर द ऑडियंस, स्पेशली देश की करंट सिनेरियो को नजर रखते हुए। बैकग्राउंड स्कोर इज अमेजिंग एंड VFX का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। द एंटायर ट्रेलर इज मैग्निफिसेंट एंड नाउ वी कांट वेट फॉर द फिल्म टू हिट द बिग स्क्रीन। अनुराग सिंह ने ये फिल्म को डायरेक्ट किया है, एंड आपको बड़े पर्दे पे केसरी नजर आएगी फ्रॉम द 21st of March। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सो गाइस, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट केसरी। क्या बॉलीवुड को ऐसी ही हिस्टोरिक फिल्म्स बनानी चाहिए या फिर रीमेक्स? जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगी। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू मूवी टॉकीज। बाय।